वहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले दोनों मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। मनीष सिसोदिया की जगह दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनी आतिशी अपना कार्यभार संभालने के लिए सचिवालय पहुंची, तो उनके चेहरे पर नई जिम्मेदारी मिलने की खुशी साफ साफ दिखी। हालांकि जेल में बंद जिस नेता की जगह उन्हें मिली उनकी जुबान पर उसका नाम बार बार आता रहा। देखिए, सबसे पहले तो हमारी नजर में मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहेंगे। आतिशी ने अपनी जिस नजर की बात की उसकी छाप उनके दफ्तर में भी दिखी, जहां दीवार पर स्कूली बच्चों के साथ मनीष सिसोदिया की तस्वीर लगी थी। तो जिस तरह से वो दिन रात एक करके सरकारी स्कूलों में काम करते रहे, उसी तरह से मैं भी, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे दिल्ली की यूनिवर्सिटीज हो, उनमें भी उसी लगन के साथ जरूर काम करूँ। एक दिन पहले मनीष सिसोदिया राम के वनवास जाने के बाद भारत की तरह राज चलाने से प्रेरणा लेने वाली आतिशी ने अब शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के रास्ते पर ही आगे बढ़ने का संकल्प जताया। जिस वक्त आतिशी ने अपना कार्यभार संभाला उसी समय उनके साथ मंत्री पद की शपथ ले चुके सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। सौरभ भारद्वाज बीते करीब 9 महीने से जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जगह मंत्री बने और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के लिए जैसे ही अपने दफ्तर पहुंचे, विभाग में काम करने वाले अधिकारियों ने गुलदस्तों से उनका स्वागत किया। शांत सौम्य स्वभाव के सौरभ अधिकारियों से हमेशा की तरह हंसकर मिलते दिखे। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सौरभ भारद्वाज ने अपना काम संभाला और दिल्ली वालों को सेहतमंद बनाने का संकल्प जताया। कोई आदमी बीमार पड़े तो उसके सरकारी अस्पताल में उसका इलाज हो जाए, उसकी जिंदगी बच जाए, वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। सौरभ भारद्वाज ने भी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गंदी सियासत का नतीजा बताया और उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली के लोगों की सेहत से लेकर पानी तक की जरूरतों को पूरा करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन्हें स्वास्थ्य के अलावा शहरी विकास, जल और उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। और केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को BSF में आरक्षण देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए BSF में होने वाली वैकेंसी में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अग्निवीरों के पहले बैच को एज लिमिट मानदंडों में भी छूट दी जाएगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने करीब 2 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। चीमा ने बताया कि इस बार शिक्षा बजट 12% बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में संभाजी नगर में AIMIM ने शहरों का नाम बदलने वाली राजनीति के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। पिछले महीने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया था। MP के हरदा में जलते कोयले पर चलने की परंपरा निभाई गई। होली के जश्न में जहां लोगों ने धधकते अंगारों पर कदम रखे और दावा है कि इस आयोजन में कोई भी घायल नहीं हुआ। भारत के दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज PM मोदी ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें दोनों देशों के बीच सुरक्षा, सहयोग और आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी दोस्ती का जिक्र किया और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और वहां मंदिरों पर हो रहे हमले के मुद्दे को भी उठाया। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस बैठक में रक्षा के क्षेत्र में बड़े समझौते हुए, जिसमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन को विकसित करने पर, क्लीन हाइड्रोजन और सोलर के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर भी बात हुई। बैठक के बाद PM ने मई में क्वाड लीडर्स समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया बुलाए जाने पर PM एल्बनीज को धन्यवाद दिया। क्वाड लीडर्स समिट के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री एल्बनीजी को धन्यवाद देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज ने भी दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। PM मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के PM एल्बनीज को सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया।
हैदराबाद हाउस में बातचीत से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया, जहां उनकी अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। और जैसे ही एंथनी एल्बनीज की गाड़ी राष्ट्रपति भवन पहुंची, पीएम मोदी ने गर्मजोशी से आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। पीएम ने इस दौरान अपने साथ मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल से एंथनी एल्बनीज का परिचय करवाया, जिसके बाद एंथनी एल्बनीज के साथ आए ऑस्ट्रेलियन प्रतिनिधिमंडल से पीएम मोदी ने मुलाकात की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत के बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ औपचारिक मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल थे। इससे पहले आज सुबह एंथनी एल्बनीज राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने फूल अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग हर रोज जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालकर दिल्ली की सड़कों पर सफर कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा का हाल जानने के लिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने मिलकर एक रिसर्च की है। इस रिसर्च में कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई है। रिसर्च में पता चला है कि दिल्ली के 33% दोपहिया सवार सही तरीके से हेलमेट नहीं लगाते हैं। वहीं 29% बाइकर्स ऐसे हैं जो चालान से बचने के लिए सस्ते और नकली हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी बाइक ओवर स्पीडिंग करती है, यानी तय स्पीड लिमिट से तेज चलाई जाती है। कारों पर की गई रिसर्च में पता चला है कि दिल्ली में 85% लोग सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाते हैं, जबकि दिल्ली में कार की पिछली सीट पर बैठने वाले सिर्फ 1% लोग ही सीट बेल्ट लगाते हैं। इस रिसर्च से ये भी पता चला कि 21% से ज्यादा चारपहिया गाड़ियां निर्धारित स्पीड लिमिट से तेज रफ्तार में चल रही हैं। रिसर्च में बताया गया कि स्कूल, इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रो स्टेशंस और बस स्टेशंस के बाहर सड़क हादसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन जगहों पर पैदल चलने वालों की संख्या ज्यादा होती है। जर्मनी के हैमबर्ग में एक चर्च में बीती रात अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज आई। बताया गया कि एक अज्ञात हमलावर ने चर्च में फायरिंग की, जिसमें 7 लोग मारे गए, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो इस हादसे में घायल हो गए। जर्मनी के हैमबर्ग में ये फायरिंग एक चर्च में हुई। हालांकि पुलिस ने इस वारदात में मरने वालों की संख्या की कोई जानकारी साझा नहीं की, लेकिन स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस हमले में 7 लोगों की जान चली गई। पुलिस को शक है कि इनमें हमलावर भी शामिल हैं। Im Augenblick können wir dazu noch keine gezielten Angaben machen. Wir haben keine Hinweise darauf, dass ein Täter flüchtig ist, sondern eher Hinweise darauf, dass ein Täter eventuell im Objekt ist, eventuell sogar unter den Toten befindet. हमला करने वाला कोई एक था या इसमें कई लोग शामिल थे, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। हमलावर की शिनाख्त करने और सबूत जुटाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज अचानक ही आई और जब तक कोई कुछ समझ पाता, वहां पुलिस का पहरा लग चुका था। मौके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें चर्च की इमारत से शवों को बाहर निकाला जा रहा था। क्राइम सीन पर पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। इमारत के अंदर कुछ लोग भी दिख रहे थे जो शायद बेहोश पड़े थे या गोलीबारी में मारे जा चुके थे। Wir haben Schüsse gehört, also ich weiß ja, wie sich Schüsse anhören und es waren irgendwie 12 durchgehende Schüsse auch und ich dachte, das wäre irgendwas auf der Baustelle hier, aber dann soll es irgendwie bei der Tankstelle oder nebenan bei den Zeugen Jehovas gewesen sein. चर्च में गोलीबारी के पीछे क्या मकसद था और इसे किसने अंजाम दिया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पिछले कई सालों में जर्मनी में गोलीबारी की ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। और यहाँ उत्तराखंड का बजट 15 मार्च को पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। धामी सरकार 15 मार्च को राज्य का बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड सरकार इस बार लगभग 79,000 करोड़ का बजट पेश करेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नशे में धुत एसयूवी ड्राइवर ने स्कूटर सवार 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं मिली है।
जोधपुर में आरपीएफ जवान की चौकसी से एक महिला की जान बच गई। चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई, लेकिन आरपीएफ जवान उसे ट्रेन से दूर करने में कामयाब रहा।